हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे हम क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक चैप्टर पॉलिनोमियल एग्जांपल 1 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। ईच ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स। यहाँ पे जो ग्राफ है वो वाई इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में गिवन है, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। पी एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमें नंबर ऑफ जीरोस इन सारे ग्राफ्स के बताने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या यहाँ पे कंडीशन दी रखी है, जो ग्राफ है वो वाई इक्वल्स टू पी एक्स का पॉलिनोमियल है। वाई इक्वल्स टू पी एक्स इट मीन्स वाई इक्वल्स टू कोई भी एक्स के फॉर्म में आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन समथिंग लाइक दैट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, या वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन समथिंग दिस टाइप। ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल गिवन है और हमें क्या करने हैं, जीरोस बताने हैं कि ईच ग्राफ में कितने जीरोस होंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको देखना पड़ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी होती है, y इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स के फॉर्म में आपके पॉलिनोमियल गिवन है। तो यानी कि x, ये जो आपका ग्राफ है x एक्सिस पर जहाँ पे भी ये लाइन कट करेगी आपकी, उतने आपके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप पहले पार्ट में देखें, फर्स्ट ग्राफ में, तो ये जो आपके ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर ओनली वन प्लेस पर कट कर रहा है। इट मीन्स इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे आपके, ओनली वन जीरो होगा। ठीक है, और सेकंड आप अगर देखें तो सेकंड में देखिए ये दो प्लेस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका वाई एक्सिस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वाई इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। यहाँ पे देखिए वन एंड टू, टू प्लेस पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे टू। सेम एज थर्ड ग्राफ देखिए, यहां पे देखिए वन टू एंड थ्री, थ्री प्लेस पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो थर्ड ग्राफ के आपके जीरोस कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए ये फोर्थ आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे भी देखिए x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस पर ये कट कर रहा है, एक प्लेस पर कट कर रहा है। इट मीन्स इसका जीरोस कितने होंगे, ओनली वन जीरो। सेकेंड यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्राफ है ओनली x एक्सिस को वन प्लेस पर ही टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो इसके भी जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, वन। लास्ट पार्ट यहाँ पे देखिए x एक्सिस को वन टू थ्री एंड फोर, फोर प्लेसेस पे ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो इसके जीरोज आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, इसके फोर जीरो होंगे आपके पास। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू जीरोज फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल वन पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching.